आपको अपने मोबाइल में हिंदी टाइपिंग करने या फिर परफेक्ट इंग्लिश टाइपिंग करने में परेशानी होती है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानिए कुछ आसान से तरीके जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में सेव हैं। मैं शिवजीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, पहले उनको हम जान लेते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका डेटा कनेक्शन ऑन होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिनिमम ओरियो होना चाहिए, इन द सेंस कि आपका मोबाइल मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए। उससे ज़्यादा पुराना तो हो सकता है ये सिस्टम आपके मोबाइल पर काम नहीं करे। और तीसरा सिस्टम है कि अपने सेटिंग में जा करके लैंग्वेज को हिंदी सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए हम लोग सेटिंग में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग खोलें, किसी चीज़ को फाइंड करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर में ये सर्च बार है, सर्च बार में जैसे जाके हम लैंग्वेज लिखते हैं तो लैंग्वेज का ये आ जाता है। तो फर्स्ट हम लैंग्वेज इनपुट को सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज इनपुट को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर में ये शो होगा लैंग्वेज का, लैंग्वेज में जाएंगे। लैंग्वेज में हमें ऑलरेडी एक इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, वो रहता ही है। उसके बाद ऐड लैंग्वेज में जैसे ही जाएंगे तो हमारे सारे बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज और बहुत सारे विदेशी लैंग्वेज भी हमें मिलते हैं। तो सपोज दैट मुझे हिंदी टाइपिंग करनी है तो मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो अदर कोई भी अगर लैंग्वेज लेना चाहते हैं जैसे बांग्ला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, वो सब भी ले सकते हैं। ये हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दूसरा चीज़ है, हमें एक और बैक आते हैं। यहाँ पे है लैंग्वेज सेट इनपुट स्पेसिफिक वॉइस फॉर स्पोकन टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वॉइस के लिए कौन सा कमांड करना चाहता है तो सिंपल सा फर्स्ट वाला ही यूज रखेंगे, यूज सिस्टम लैंग्वेज। ओके, यहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, अब इसको हम टाइप करके देखते हैं कि किस तरह से ये टाइपिंग होते हैं। तो सिंपल सा टाइप करने का, किसी भी जगह पर जाकर कीबोर्ड का जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कीपैड में गए, कीपैड में जा कर के यहाँ पे जो ग्लोब का साइन आ रहा है उस पर हम 3 सेकेंड तक होल्ड करेंगे तो ये चीज़ आ जाता है। अगर सपोज दैट मुझे हिंदी लिखनी है तो ये हिंदी है। हिंदी में ये क्या है कि आपका प्रॉपर हिंदी नहीं लिखेगा, जैसे अभी हम लोग हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं वो है सेकेंड, जैसे कोई, तो ये इस ढंग का ये लिखेगा। अब इसमें चाहते हैं कि हम प्योर हिंदी लिखें तो इसको प्रेस किए रखें, लास्ट वाले में चले जाएं। तो यहाँ पे जो भी हिंदी लिखना है वो लिख सकते हैं या फिर हम इसमें स्पीच कमांड देकर भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे ही प्रेस करेंगे ये रुक जाएगा। यहाँ से चाहेंगे तो किसी तरह का भी खुद भी लोगो, सोशल मीडिया नेटवर्किंग आप इस तरह से ले सकते हैं। ये ऑटो फील्ड में आता है। ये हो गया सिंपल सा। अगर आपको किसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसका सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें।
सॉरी। अब इसका अगर मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो सिंपल सा यहाँ पे हम देखेंगे इस पोजीशन पे, तो ये यहाँ ग्रामर का ट्रांसलेशन का आता है, तो ये है। इसको क्या करते हैं, पहले हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी, और यहाँ पे फेल, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे, आप देख रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग यस्टरडे, आई शो यू यस्टरडे इन द गार्डन, ये चीज़ का है। तो यहाँ से अगर हम इंग्लिश उनको लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हम हिंदी को बंद कर लेते हैं। यहाँ से क्या किया हमने, हिंदी को बंद कर लिया। इस तरह से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इजी वे में कर सकते हैं। इस तरह से ये चला जाता है। सॉरी भाई, इनको क्या मैंने भेज दिया। ओके, तो इस तरह से हम इन्हीं को भी इजी वे में प्रॉपर वे का ट्रांसलेशन इंग्लिश और शुद्ध हिंदी में भी लिख के भेज सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ये मत सोचिए कि मैं किसी के कमेंट्स देखता है नहीं देखता, मैं हर समय आपके कमेंट्स को देखता हूँ। तो प्लीज़ आपको किसी तरह की अगर परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आपके लाइक करने या चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लाइक करने से कोई भी चैनल को, किसी भी यूट्यूबर्स को पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। बस एक मोटिवेशन होता है कि वो जो काम कर रहे हैं, वो जो आपको जानकारी दे रहे हैं, वो एक अच्छी जानकारी है। उन्होंने जो मेहनत किया, बस उनका एक रिज़ल्ट उनको मिलता है कि उन्होंने एक अच्छा किया है, बस यही होता है। उनसे उनको कोई पैसा नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल में मैं आपको कुछ अच्छा बताता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।